वेद भारतीय और विश्व संस्कृति का मूल है। सारी दुनिया पर ज्ञान व विज्ञान का जो प्रभाव पड़ रहा है उसके सारे बीज वेदों में निहित है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में अभी तक कोई वेद विद्यालय नहीं था, जिसके कारण कुटैटी देवी उत्तरकाशी की भूमि पर स्वामी वेदानंद की तपस्थली में वेद विद्यालय की स्थापना की गई, जहां चारों वेदों का अध्ययन और अध्यापन वैदिक संस्कृति के संरक्षण के लिए किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और भारत सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री मौजूद रहे। यहाँ पर स्वामी वेदानंद जी निवास करते थे और उन्होंने यहाँ 40 वर्ष तक तप किया है। आज यहाँ पर महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान है, उसकी ओर से, उसकी सहायता से और सत्य फाउंडेशन के अंतर्गत यहाँ पर स्वामी वेदानंद वेद विद्यालय का आरंभ किया गया है, जिसमें अभी तत्काल में 3 वेद पढ़ाए जा रहे हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और जल्दी ही ऋग्वेद भी शुरू होने वाला है। और इसका संपूर्ण संचालन इस समय बागपत के लोकसभा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी और उनकी श्रीमती मिल करके इसको संभाल रहे हैं। देखिए, स्वामी वेदानंद सरस्वती जी की एक कुटेटी एक तपस्थली थी, जहाँ उन्होंने लगभग 4 दशकों तक तपस्या की और वेद और व्याकरण के विद्वान रहे। उनकी स्मृति में भारत सरकार के सहयोग से चारों वेदों को पढ़ाने के लिए धनपाड़ी विद्वान बनाने के लिए यहाँ उनकी स्मृति में स्वामी वेदानंद वेद विद्यालय का आज उद्घाटन हुआ।